गुमे किसी के प्यार में आज आप देखने वाले हैं रिवा का भयंकर चेहरा जहां तक रिवाई की मूर्त बनी हुई थी लेकिन रिवा ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि वो सभी के बारे में क्या कुछ सोचती है पहले ईशान को भड़काने की रीवा पूरी कोशिश करती है और कहती है कि सभी ने तुम्हारे परिवार के खिलाफ इतना कुछ लिखवाया है और तुम्हें अब भी उस पर भरोसा है तो ईशान कहता है कि मैं जानता हूँ सभी कुछ भी कर सकती है लेकिन सभी झूठी नहीं है तो इसके बाद रिवा से यह बात बर्दाश्त नहीं होती तो रिवा सभी के पास जाती है और कहती है कि ईशान ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा दी। और इसके साथ साथ तुम्हारी ताई का पूरा इलाज करने का खर्चा भी अपने सिर ले लिया के बाद भी रिवा नहीं रुकती है और सभी को बहुत ज्यादा खरी खोटे सुनाती है तो सभी भी अपना मुँह खोल ही देती है और रीवा से कहती है ये मेरी और ईशान सर के बीच की बात है तो आपका कोई हक नहीं बनता की आप हम दोनों के बीच में बोले और अगर ईशान सर को मेरी कोई बात बुरी लगेगी तो वो खुद मुझसे आकर बात कर लेंगे आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है इसके बाद रीवा वहां से जाने लगती है तो तभी वहां पर पत्रकार आ जाता है पत्रकार को देखते ही सभी उस पर भड़क उठती है और कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी और तुम्हारे खिलाफ मान आने का केस दर्ज करवाऊंगी पत्रकार सभी से कहता है कि मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए आया हूं और मुझे एडिटर साहब ने भेजा है तो इसके बाद वो एक लिफाफा सभी को देता है शुक्ला जी की वाइफ पत्रकार को देखते ही बहुत ही गुस्से में हो जाती है और कहती है की तुमने सभी के खिलाफ ऐसी झूठी बातें क्यों छापी है तो वो उसे मारने के लिए दौड़ती है तो सभी से कहती है की ऐसे लोगों के मुँह लगना अच्छा नहीं होगा तो इसके बाद वो सभी को एक लिफाफा देता है जिसमे से पैसे निकलते हैं तो ये बात तो रीवा चुपके से देख लेती है और रीवा इसकी रिकॉर्डिंग बना लेती है कि पत्रकार से सभी ने पैसे लिए हैं। अब रीवा ये बात ईशान के सामने बताती है कि तुम्हारी फैमिली के खिलाफ बोलने के लिए सभी ने पैसे लिए इसके बाद रीवा अपनी बातें बढ़ा चढ़ा ईशान के सामने पेश करती है और कहती है कि ईशान तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा तो ये रिकॉर्डिंग देखो इसमें सभी खुद दिख रही है कि वो पत्रकार से तुम्हारी फैमिली के खिलाफ बोलने के लिए पैसे ले रही है तो ईशान इस बार बहुत गुस्से में हो जाता और कहता है कि अब मैं एक ऐसा एक्शन लेने वाला हूँ जो कि मुझे काफी पहले ले लेना चाहिए था इतना बोलकर घर से बाहर निकल जाता